इंदा एक उमें तो हर किरदार ही इंदा मरकजी किरदार है, जिवें कायनात दा मरकजी किरदार इंसान है, इंसान है तो वल हर इंसान ही मरकजी किरदार है। ये वाहिद नावल कोई मेरे सामने भी है जो इन्हें विच कोई ऐसा हीरो विलन इस तरह का निज़ाम कह नहीं, और ये नावल मुके तो नावल शुरू तीन इंदी खास गाल ए है। और इंदे अंदर एक एक किरदार जो मैं एक तो वह किरदार है जो पूरी कहानी को टुरेंदा पे, लेकिन उनका नाम कितें ही कह नहीं, वो गायब है पिया, और उनका ना ही ओ थी कहते ओ ओ ओ औदरिया वधाई ओ हीर दी कतल दी FIR दर्ज करवाना चाहता है। एक ओ किरदार जो इन उनका ना भी कह नहीं, वो मैं हाँ वो तुसा ही वे घाबरे हुए सारी वसूं के लोग जो तेरे मिदे गैरती कतल ऑनर किलिंग और हर हीणे की गाल थी पई है, और वो गाल करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने को गाल नहीं करन दीती वेंदी, वो आखदे यार तेरी गाल नहीं समझ आती पई। एक लतीफा आम जी गाल है ही, कोई बुजुर्ग देहात का जोड़ा है वह पहुँच गई है अदालत, तो वह आखड़े मेरा ये मसला है तुसा मेरी गाल क्यों नहीं सुनते, तो जज आख्या ओए वांच कोई वकील कर रहा मेरे को तेरी गाल समझ नहीं आती, तो वह बुजुर्ग आखे तू वकील करते को नहीं समझ आती पई। ठीक है सही, तो सारे यानी आम बंदे दे ख्याल को उनकी गाल को इवें बेथथा कर दिता वेंदा है, उनकी गाल को उनके कत्ल को लुका दिता वेंदा है धमाल दे विच, उनकी कबर को नौ गज़ा कई बुजुर्ग की कबर आखते उन इज्तमाई कबर को उछाड़ पवाते उतना कातिल को बुला दिता वेंदा है कि तुसा ही वे जनाब इतों के गद्दी नशीन और उनके पोतरे दारुल हुकूमत बैठे उन्होंने मज़े करें दे। ठीक है जी, और उतों के लोग दरगाही से वंज के लंगर पींदे खड़े हैं, जबकि रोटी खवाने की जिम्मेवारी हाकिम दी है रियासत दी है। ते ओ किरदार जिहड़ा चुप है पिया लेकिन बुलेंदा भी पै, ते वड्डा किरदार इन्हें हबीब फुलाही दा है, वह किस्सा गो जिहड़ा है हबीब फुलाही ऊं कुडे दा वड्डा है जिहड़ा मौजूद भी है लेकिन लुकिया खड़े, वो किरदार जिहड़ा लोगों को उन्हां दी भुख दे बदले नचवेंदा है, और उन्हां को इतनी एक रोटी देंदा है, इतना एक साह देंदा है कि वह वल उंदे किते काम कर सकन। ठीक है सही, और रियासत लभेंदा वधदा है कि कित्थे है मेरी रियासत, वो जिथा वेंदा उह को नहीं लभदी। जिंद वड्डा सुनारा सही कसोली है किस्सा गो, जिवें इहदे विच रिफत अब्बास साहब लिखे उन्हां दे लफ्ज़ां नाल तुहानू मैं अर्ज़ करां, जो वो कसोली जिहड़ा है उनके किस्से को भी इन्होंने उत्ते मिट्टी पा दी है। फरमेंदे पे जो कई सूफी दे शहर विच किस्सा करन बहु औखा काम है, क्यों जो तसव्वुफ दा भाग कई किस्से को किस्सा नहीं रहवण देंदा, सूफी हर तरह के किस्से को अपने सलूक नाल गंढेंदा है, अपनी थथ जगेंदा है, ते वल किस्सा गो ते अपना लड़ पा देंदा है। बहु वारी बहु सारे किस्से जिहड़े ने वो ये सूफियाना कलाम और मखतूते बन गए, वो लुका की दे गए आम बंदे दी गाल को। ते जिंद वड्डा सुनारा जिन्ना परियां दीहां नाल गल ही करेंदा है उनका यकीन है, वो कसोली इन्हां वड्डी वड्डी दरगाहां दे अगू अपने किस्सियां दे झुग्गे बधेंदा है, ते झंडियां बधेंदा है, और आदे मेरी भी कोई वसू है मेरी भी जा है पे, जिवें शाह शमस दे अगू ओ दुध दा प्याला भेजिया गया बहावल अख साईं दी तरफों, उन्हां विच फुल रख दिता कि असा ही फुल जितनी जा गिनसूं बस, तो इवें ही वसूं दा बंदा जिहड़ा है उंदी इतनी जाह तां कम अज़ कम है पई कि वह ऊँ जाह दे विच अपनी गाल भी कर सके और वह अपने किसे को भी टोर सके। नारंगी एक किरदार है उच शरीफ तो, वो इतों की तरेमित दी बहादुरी दी इतों की खातून दे सियाणेपन को आदो रसा देंदे पे हैं, जो इन किताब उंदा कोई मुआहदा नहीं दिखाया गया बल्कि वह कोई जहान उवें जीवन दिता गया जिमें इंसान जींदे हैं पे, वो हर किस्म दी मुश्किल जाही तू और मुश्किल तरीन गलियां चू जहान दे मुश्किल तरीन रस्तियां चू मुख्तलिफ टैबूज त्रुड़ेंदी मुख्तलिफ उंदे उत्ते जिहड़े पाबंदियां उन्हां को त्रुड़ेंदी मुल्तान च ऊँ को आ मिलती है जिहड़ा इहदा मरकजी किरदार है, और वह बहते वह जिंद वड्डे दी धी है, ये दोहे मिल के हीर दे FIR दर्ज करवावण किते कोशिश करेंदे हन। और गाल इत्थां मुकदी है आ ते जो आके शाह शमस दी खल छिकवावण तू हीर दे कतल तई और हबीब फुलाही को भी गोली लगी आई विच जिहड़े ले ओ लभेंदा वधाई
रियासत को उन्हें पिछू बंदा लग गया आखिर कुमान समाए ने उतना जितना हर कोई अपने टाइम से समझे लेकिन इतना उन्हें को जल्दी समा दिता वेंदे उन्होंने जल्दी जबान तो ऊ बीबी ते इन किरदार ने मिल के ये गाल सा कुछ समझाई जो तुसा हर वाक्य दे विच मुख्तलिफ चीज़ा ना देख सो बल्कि इको ही हाथ होंदा है जिहड़ा आदमजाद को बोलन नहीं देंदा जिहड़ा बंदे दे ख्याल ते पाबंदी लेंदा है जिहड़ा आदे फुल दरगाहों चुन सकदे हो लेकिन काफ़ी गा नहीं सकदे अशुलाल साहब होनी दाई तुहाडे इजहार ते पाबंदी लेकिन नावल ने अपने अंदर हर गूंगे को रस्ता दिता है और नीलियां सिलां दे पिछों लुके हुए सारे कतल निशाबुर कड़खड़ाए सी जो आदियन पिछा ना दिखाए पत्थर दे बण वेसो ऊ आखिया क्यों ना दिखाए क्योंकि पिछों कतल थी आला था ठीक है जी साकू माजी च नहीं देखण देता वेंदा पिया होंदा साडे हाल को धुंधला कर दिता वेंदा गे और साकू ऐसे ऐसे ख्याल दे अंदर जकड़ दिता वेंदे जिन्हें अंदर तुसा उकू किस्मत समझ गिंदे ही वे जिता तुसा हथ बदते हालांकि सूफी को कई दरबार तो बाहर निकलते गाल करनी चाहिए आई लेकिन वो दरबारी सूफी थी गया दरबारी मुला थी गया दरबारी शायर थी गया दरबारी दानश्वर थी गया वो आवाम के वसी तर मफाद में बोलन शुरू थी गया हालांकि आवाम का वसी तर नुकसान होंदे ते आम बंदे दे ख्याल को इन नावल ने टोरे